एक आज मैंने एक क्यूब मंगवाया है क्यूबलो जैसे, जो कि इंडिया का बहुत ही बढ़िया क्यूब स्टोर है। तो इसको आने में लगे 2 दिन। बहुत ही बढ़िया शिपिंग देता है क्यूबलो। तो ये शिपिंग करता है, यहाँ पे एड्रेस लिखा है रायपुर छत्तीसगढ़ से, यहाँ पे मुंबई में आने के लिए लगे इसको 2 दिन। तो बहुत ही अच्छी शिपिंग है। मैंने सैटरडे को ऑर्डर किया था, मंडे को शाम तक मुझे हाथ में मिल गया। तो इसकी अभी अनबॉक्सिंग करते हैं, जो प्राइसेस देख लेते हैं। मैंने क्यूबलोले से ऑर्डर किया, क्यूबलोले पे इसकी प्राइस थी 579, क्यूब नामा पे इसकी प्राइस 549 थी, लेकिन वहाँ पे ये अवेलेबल नहीं था। एम क्यूब पे भी 549 ही थी, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि एम क्यूब से आने के लिए 12 से 15 दिन लगते हैं। क्यूबलोले पे मुझे एक और भी ऑप्शन था कि मैं 20 रुपये एक्स्ट्रा भर के पैकेजिंग रख लूँ। मुझे पता नहीं था ये पैकेजिंग क्या है, मुझे लगा कि शायद से बिना पैकेजिंग के आएगा तो टूट सकता है, तो मैंने पैकेजिंग मंगवा ली। लेकिन खोलने के बाद ये पता चला कि पैकेजिंग का मतलब है ये ओरिजिनल बॉक्स में आता है अगर 20 रुपये एक्स्ट्रा भरेंगे तो, नहीं तो सिर्फ क्रॉक आएगी जिसको प्लास्टिक में बबल पैक में रैप करके दे देंगे। तो इसे जल्दी जल्दी खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। मैंने क्लॉक इसलिए मंगवाया कि क्लॉक सबसे ईजिएस्ट है, बिना कुछ ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं होती है, बिना थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। और मेन बात यह है कि ये किसी भी एंगल से क्लॉक क्यूब की तरह लगती नहीं, लेकिन फिर भी ये WCA का पार्ट है। WCA तो ये हमारा ओरिजिनल बॉक्स है क्लॉक का, और इसके अंदर ये है इनवॉइस जो किसी काम की होगी नहीं। तो बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्लॉक है और ये पैकेजिंग अच्छी है, ओरिजिनल बॉक्स है। अगर आप 20 रुपये कम भरेंगे तो आपको शायद से ये बॉक्स नहीं मिलेगा। तो क्लॉक चाहिए तो आप 20 रुपये कम भर सकते हैं, ये बॉक्स की कुछ ज़रूरत तो नहीं है। तो ये हमारा क्लॉक, इसमें ये पिंस है और ये नॉब से ऊपर जिसे है क्लॉक घूमते हैं। टोटल 9 क्लॉक्स है इसमें, जिसको हमें एक जैसा सेट करना होता है। तो पिन दबा के मैं देख एडजस्ट करके देख लेता कि कैसे वर्क करता है, मुझे देखना पड़ेगा पहले। कि मुझे इतना पता है कि जो पिन ऊपर करेंगे तो उसी साइड के घूमेंगे, इतना मुझे पता था। तो दो साइड है, ये लाइट स्काई ब्लू कलर की है और ये ब्लू कलर की साइड है। तो दोनों तरफ 12 का इंडिकेशन है जिस पे हमें सब क्लॉक सेट करनी है। तो बहुत ही इजी पजल है और ज़्यादा लोग करते भी नहीं है, समझने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं जल्दी से इसे समझ लेता हूँ कैसे वर्क करती है। इसे समझ गया हूँ मैं। तो जो पिन हम ऊपर करेंगे, अभी ये पिन ऊपर कर, तो इसके साइड के जो 4 क्लॉक है वही घूमेंगे, लेकिन इसके लिए हमें उसी साइड का नॉब घुमाना पड़ेगा। अभी सेकंड वाला पिन ऊपर की, तो इसके साइड के 4 जो है वो घूम रहे हैं। अभी मैं दोनों ऊपर करता हूँ तो होगा क्या, इसके साइड के 4 और फिर इसके साइड के 4, टोटल 6 घूमेंगे। तो इसके लिए हमें सिर्फ ऊपर का नॉब घुमाना पड़ेगा, तभी ये सब घूमेंगे। अभी मैं आपको 3 ऊपर करके दिखाता हूँ। अभी इस तीनों के साइड के टोटल 8 जो क्लॉक है सब घूमेंगे, सिर्फ हमें वो तीनों पिन के साइड के कोई नॉब घुमाना पड़ेगा। अगर हम दूसरा नॉब घुमाएंगे तो सिर्फ वही क्लॉक कॉर्नर वाली क्लॉक घूमेगी जो पिन नीचे है उसके साइड पे। तो ये बहुत ही सिंपल क्लॉक है, क्यूब तो नहीं बोल सकते हम इसे। तो मैं इसे मेरा टाइम सॉल्व देखता हूँ, पहली बार मैं कितने टाइम में सॉल्व कर देता हूँ। मुझे टेक्निक पता है कैसे सॉल्व करना है, मैंने पहले कभी सॉल्व नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ कि मुझे कितना टाइम लगता है फर्स्ट टाइम सॉल्व में। तो इसमें हम पहले बनाएंगे क्रॉस। अभी सब मैच हो गया 3-4। अभी ये मेरा क्रॉस बन जाएगा। अभी क्रॉस बन गया, फिर मैंने इसे 12 पे सेट किया, देन पीछे का क्रॉस बनाएंगे एंड देन पूरा क्लॉक सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे भी क्रॉस बनाएंगे। तीन क्लॉक मैच हो गई। अभी तीन क्लॉक को दूसरे क्लॉक से, मैच किया एंड देन क्रॉस का लास्ट स्टेज बच गया, क्रॉस बन गया। अभी हमें कॉर्नर से मैच करना है, लेकिन जो पिन नीचे है उसके साइड का हम नहीं घुमा सकते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, पीछे वाला टूट जाएगा।
तो हमें ध्यान रखना है ये इसी बात का कि जो पिन नीचे है उसके साइड की नॉब को हाथ नहीं लगाना। तो ये मेरा पहला सवाल है, इसमें मुझे बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें इजीली मैं 40 सेकंड में आराम से सॉल्व कर पाऊँगा। मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, 40 सेकंड में सॉल्व करना कुछ मुश्किल काम नहीं। और मेरा सॉल्व हो गया 1 मिनट 21 सेकंड।